नमस्कार, मिड कैप बाजार में आपका स्वागत है। मैं हूँ पूजा त्रिपाठी। नमस्कार, मैं हूँ पल्लवी। फिलहाल बाजार दिन के निचले स्तरों पर है। निफ्टी ने 9100 का स्तर ब्रीच किया, लेकिन उसके बाद फिलहाल 9102 के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। सेंसेक्स में भी लगभग 100 अंकों की कमजोरी है। फिलहाल 29416 के लेवल्स पर ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। खासतौर पर फार्मा शेयर में कमजोरी है। फिर चाहे डिवीज लैब है, डॉक्टर रेड्डीज, इंपोर्ट अलर्ट जारी होने के बाद डिवीज लैब का शेयर ऑलमोस्ट 20% तक टूटा है और फिलहाल अब भी 18% की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। साथ ही निफ्टी कुछ और लूजर्स की बात करें तो आइडिया में कमजोरी जारी है। ऑलमोस्ट 92 रुपए का स्तर आज आइडिया में देखने को मिल रहा है। साथ ही एक्सिस बैंक, सन फार्मा, यहां पर भी कमजोरी देखने को मिल रही है। अगर कुछ और लूजर्स की बात करें तो आज एम&एम, गेल जैसे स्टॉक्स में भी कमजोरी है 2% तक की, और विंडो फार्मा, टाटा मोटर्स, डीवीआर, यहां पर भी 1.5 से 2% की कमजोरी देखने को मिल रही है। गेनिंग साइड पर आज आईटी है। कल की कमजोरी के बाद आज आईटी में गेन देखने को मिला और मिड कैप के कुछ गेनर्स में बायोकॉन शामिल है। इपका लैब्स, चुनिंदा हेल्थ केयर स्टॉक्स है जहां पर बढ़ाते 1% की देखने को मिल रही है। एबी नुवो, यहां पर भी 1% के गेन्स के साथ ट्रेड हो रहा है। आप भी किसी शेयर पर सवाल पूछना चाहते हैं तो तरीका आपको बता दें, आप हमें टोल फ्री नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया के जरिए आप जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप या फेसबुक के जरिए, और अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। डीमार्ट के आईपीओ का एक अपडेट ले लेते हैं। और इस वक्त खबर आ रही है कि अपने दिन के ऊपरी स्तरों पे इस वक्त ये ट्रेड कर रहा है। 100% से ज्यादा की मजबूती स्टॉक में देखने को मिल रही है। और मार्केट कैप पर अगर आप नजर डालें तो आइडिया और पीएनबी जैसे कंपनियों से ज्यादा मार्केट कैप इसका हो चुका है। इस वक्त भी शेयर में करीब 100% की मजबूती के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लिस्टिंग प्राइस से ऊपर ये स्टॉक निकल चुका है। अब हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं गुरुग्राम से, पुष्पक। पुष्पक, पूछिए अपना सवाल। हाय, आई हैव परचेस्ड 500 शेयर्स ऑफ स्टार पेपर एट द रेट ऑफ 180 एंड नाउ इट हैज कम डाउन टू 152। आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू विद इट। जी आशीष, इन्होंने स्टार पेपर के शेयर्स लिए हैं, 500 शेयर्स लिए हैं 180 के भाव पर, और यहाँ पर इनको काफी नुकसान हो रहा है, तो इस शेयर पे आपकी क्या राय होगी? देखिए, इनकी जो खरीदी है वो काफी ऊपरी स्तर पे की हुई है और उसके बाद में काफी मूव नीचे के ओर आते हुए नजर आया, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर एक 3% का नीचे एक स्टॉप लॉस लगा के रखिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है ट्रेडिंग का वही है कि आप एक स्टॉक के साथ में काम करिए, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस नहीं रहेगा और अगर ट्रेंड रिवर्स हो गया मीडियम टर्म तो आप वो स्टॉक में स्टक हो जाएंगे। तो इसके बदले 3% नीचे एक स्टॉप लगा के रखिए। अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है इससे बाहर आ जाइए, जॉब परफॉर्मिंग स्टॉक से उसमें निवेश करिए, तो स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। फिलहाल 153 का स्तर स्टार पेपर में देखने को मिल रहा है। फोन लाइन पर हमारे साथ एक और दर्शक हैं, सुरेंद्र जुड़े हैं दिल्ली से। गुड आफ्टरनून सुरेंद्र जी, पूछिए क्या सवाल है आपका। सुरेंद्र जी नमस्कार, अपना सवाल पूछें। आवाज शायद आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन इन्होंने सवाल मैसेज के जरिए भी शेयर किया। एक्सिस बैंक पर इनका क्वेश्चन है। आशीष, ऑलमोस्ट 2000 स्टॉक्स हैं जो कि 472 के लेवल्स पे लिए हुए हैं, इनकी खरीद से ऊपर है, ऑलमोस्ट 490 का स्तर दिख रहा है, क्या करना चाहिए अभी? आज इंट्राडे में तो कमजोरी है लेकिन इनको मुनाफा हो रहा है, अभी क्या करें? देखिए, एक्सिस बैंक में इन्होंने अच्छे लेवल पे खरीदी की है जिसके बाद इन्हें मुनाफा देखा जा रहा है, लेकिन फिर भी मेरी राय होगी ये स्टॉक से बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी डिटोरिएटिंग रहा है। पिछले दो दिनों में देखें तो काफी अच्छी खासी गिरावट भी नजर आई है, 520 से लेके अभी 490 तक आ गया, तो ये स्टॉक को एक्चुअली अवॉइड करना चाहिए। इसमें बदले जो आउट परफॉर्मिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक है जैसे कि HDFC बैंक है या इंडसइंड बैंक है, तो उन बैंक में निवेश करना बेहतर होगा, क्योंकि एक्सिस बैंक में जो ऊपर पुल बैक आया वो टेम्पररी आया, तो एक बार यहाँ से प्रॉफिट लेने बाद तो प्रॉफिट बुकिंग करने की बात कर रहे हैं, स्टॉक का अवॉइड करें, और इसके अलावा कुछ और अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक में निवेश कर सकते हैं जैसे कि HDFC है, इंडसइंड बैंक है, वहां पर निवेश करने की राय होगी। अगले कॉलर हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हैं, कुणाल। कुणाल पूछिए अपना सवाल। मैम, मेरे पास 500 शेयर्स REC के हैं 150 के खरीद पे। जी, मैं इस पर राय जानना चाहता हूँ, क्या मैं इसको बेच के पावर फाइनेंस या फिर गति में शिफ्ट करूँ? ओके आशीष, इन्होंने REC के 500 शेयर्स लिए हैं 150 के भाव पर, और इनको अच्छा मुनाफा भी हो रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि गति या पावर फाइनेंस जैसे कंपनियों में निवेश करें। देखिए, ये जो स्टॉक इन्होंने चुना है, इनकी खरीदी अच्छे लेवल पे, एक REC में आउट परफॉर्मेंस आता हुआ नजर आ रहा है, जो 20-day 50-day मूविंग एवरेज है उसी के ऊपर प्राइस चल रहा है, तो कोई कारण नहीं है इस स्टॉक से बाहर निकलने का। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा मुनाफा बुक करना चाहते हैं जिसे प्रॉफिट ऑफ द टेबल आप ले सके, तो थोड़ा मुनाफा बुक कर लीजिए,
लेकिन वो मुनाफा बुक कंप्लीट नहीं करी क्योंकि ट्रेंड अभी फिलहाल पॉजिटिव है, कोई भी रुझान ऐसा नहीं लग रहा है कि स्टॉक नीचे आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुक करके अगर पीएफसी में अगर डालना चाहते हैं, ये पावर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, वहां निवेश किया जा सकता है। गति में अवॉइड करने के लिए बोलूंगा क्योंकि ये बहुत ही टाइम से एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड उसका नीचे गया है, टेम्पररी पुलबैक ऊपर देखा जा सकता है लेकिन अवॉइड करना चाहिए। पीएफसी में थोड़ा मुनाफा बुक करके ये डाल देंगे तो आरईसी का प्रॉफिट बुक हो जाएगा और पीएफसी में नया निवेश हो जाएगा। तो पीएफसी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, कंसिडर कर सकते हैं, गति को थोड़ा अवॉइड करने की सलाह है। फोन लाइन पर हमारे साथ मनोज है पुणे से। नमस्कार मनोज, पूछिए क्या सवाल है आपका। नमस्कार जी, मेरे पास टाटा मोटर्स में 365 रेट से लिए हूँ, ऑलमोस्ट एक साल होने को है। 365 बता पाएंगे कितने शेयर्स आप होल्ड कर रहे हैं टाटा मोटर्स के? I have 200 shares. ठीक है, 360 इनकी बाइंग प्राइस, 472 का स्तर आज देखने को मिल रहा है। ऑटो पैक कमजोर है इसलिए यहाँ पर भी आज लाल निशान जरूर दिख रहा है, लेकिन इन्होंने जिस लेवल पे लिया है आशीष, एक अच्छा खासा मुनाफा हुआ है, क्या करना चाहिए? क्या फिलहाल टाटा मोटर्स में थोड़ा पार्शली क्या आप सलाह देंगे प्रॉफिट बुक करने की? जो खरीदी की है पहले तो बहुत ही बेहतरीन लेवल पे की है, लेकिन उसके बाद में एक और चीज ऑब्जर्व ये करनी होगी कि ये स्टॉक ने 550 का आंकड़ा दिखाया था, उसके बाद से वापस से बहुत स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आता हुआ नजर आया था। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक तो डेफिनेटली कर लेना चाहिए क्योंकि स्टॉक में इतने मोमेंटम नहीं बन पा रहा है और यहाँ 435 का जो आंकड़ा है, अगर ये बने रहना चाहते 435 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पे लो बना था, तो 435 के स्टॉप लॉस के साथ ये बने रह सकते हैं, इन पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर कर लेना चाहिए इन्हें। जी, तो 435 ही स्टॉप लॉस होगा जिसको लगा कर चलने की राय ये दे रहे हैं। अगले कॉलर हमारे साथ हरियाणा से जुड़े हैं राजवीर। राजवीर पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, मैंने रेली वेयर के 200 शेयर लिए हैं 235 के भाव में। जी जी, कब तक आप इसे होल्ड कर सकते हैं राजवीर? होल्डिंग भी 6 मिनट हो सकता है। ओके आशीष, रैली गियर एंटरप्राइजेस के शेयर हैं इनके पास, 200 शेयर हैं 235 के भाव पर और हल्का नुकसान इनको यहाँ पर हो रहा है, क्या राय होगी आपकी? देखिए, इन्हें फिलहाल ये स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन ज्यादा उम्मीद नहीं लगाए क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड नीचे का है। 410 से ये चलता स्टॉक नीचे आया था, करीबन 220-230 के आसपास अभी आ चुका है, तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड नीचे का है, तो मेरे ख्याल से जो भी पुलबैक इन्हें मिलता है करीबन 250 या 260 के आसपास, वहां एग्जिट कर जाना चाहिए। फिलहाल होल्ड करके रखिए 210 के स्टॉप लॉस के साथ। ऑलराइट, 210 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहने की सलाह है। आज के सेशन में 229 का स्तर देखने को मिल रहा है। फोन लाइन पर सजल है कोलकाता से। नमस्कार सजल, पूछिए क्या जानना चाह रहे हैं? मैं सुजलॉन खरीदना चाहता हूं यहां पे। कितने समय के लिए खरीदेंगे सुजलॉन? 6 महीने। 18.50 रुपए का स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है आशीष। लगातार नवंबर से ही स्टॉक के एक अप ट्रेंड में है, 12.5 रुपए के लो से लगातार स्टॉक में बढ़त देखने को मिली, लेकिन जिन लेवल्स पर अभी है, क्या नई बाइंग की, फ्रेश बाइंग की सलाह रहेगी आपकी तरफ से? देखिए, सुजलॉन को फ्रेश बाइंग तो नहीं करना चाहिए क्योंकि ये स्टॉक काफी, अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देखे तो हमने कभी भी स्टॉक के बारे में बात की तो वही बताया, ये बहुत टाइम से कंसोलिडेशन में, करीबन 8 साल हो चुके हैं और अभी भी कोई आउट परफॉर्मेंस देखा नहीं गया है। जो भी पुलबैक आता है उसमें इवेंचुअली सेलिंग इमर्ज हो जाती है, तो मेरे ख्याल से इस स्टॉक को कंप्लीटली अवॉइड करिए। जहां यहां से शॉर्ट टर्म डेफिनेटली पुलबैक देखा गया है, लेकिन ये करीबन अगर 22 के आसपास आता है तो वही स्तर पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो वहां पर इन्हें 22 के आसपास इस स्टॉक के बाहर आ जाना चाहिए। जी, तो 22 के आसपास एग्जिट करने की राय होगी सुजलॉन में। अगले कॉलर हमारे साथ उज्जैन से जुड़े हैं उमा शंकर, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार। जी नमस्ते मैडम। नमस्कार मैडम, ये पूछ रहा था कि अपने एसेट एक आज ही लिया था 867 पर, तो उसमें कंडीशन बता रहा था 900 के आसपास, तो क्या करे, उसमें होल्ड करे क्या, अभी क्या कंडीशन क्या ऐसे बोले? और दूसरा केएलटी फूड है मेरा, वो भी 57 रुपया पर, क्या करे उसका भी? दूसरा स्टॉक आपने क्या बोला? एलटी फूड्स। एलटी फूड। ओके। 500 शेयर 57 रुपये का। 500 शेयर हैं आपके पास। आशीष, इन्होंने एचसीएल टेक का पहले तो एक सवाल लेते हैं। इन्होंने 100 शेयर लिए 867 के भाव पर और आज बाई बैक भी अनाउंस हुआ है, ये जानना चाह रहे हैं कि होल्ड रखे यहाँ से एग्जिट कर ले?
मेरे ख्याल से होल्ड कर सकते हैं। ओवरऑल आईटी में पॉजिटिव रुझान आता हुआ नजर आ रहा है। देखेंगे, अगर आप इंफोसिस देखिए, टीसीएस देखिए, पिछले कुछ एक से दो महीनों में पॉजिटिव रुझान बनता हुआ नजर आ रहा है। एचसीएल टेक पे भी बाय बैकिंग जो न्यूज है, तो उसके चलते हुए थोड़ा वोलेटाइल रहेगा जरूर, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ से ऊपर आने की गुंजाइश ज्यादा है, तो यहाँ पर होल्ड करके रख सकते हैं। एचसीएल टेक में नीचे एक स्टॉप लॉस इन्हें लगा के रखना होगा 780 का, और ऊपर में टारगेट 940 का देख पाएंगे। राइट, होल्ड ऑन करने की सलाह है। यहाँ पर 940 का स्तर भी देखने को मिल सकता है। फोन लाइन पर हमारे साथ संगम जुड़े हैं जलना से। संगम जी नमस्कार, पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका। मैम, मेरा टाटा स्टील का सवाल था। टाटा स्टील खरीदा हुआ है आपने? हाँ यस मैम, कल खरीदा था। अच्छा, किस लेवल पे खरीदा आपने? 40 खरीदे थे, 492 पर। 490 रुपीस के आसपास। और कितने समय के लिए ये खरीदा है आपने? शॉर्ट टर्म है या फिर लगभग साल भर रख पाएंगे? अभी 6 महीने रख सकता हूँ। 6 months, ओके। 499 का स्तर आज देखने को मिल रहा है, 492 पर इन्होंने खरीदा है। अगले 6 महीने के लिए कोई स्टॉप लॉस आप इन्हें सजेस्ट करेंगे? फिलहाल तो इनको मुनाफा हो रहा है आशीष। देखिए, टाटा स्टील का ओवरऑल ट्रेंड जो देखा जाए तो पॉजिटिव है। ये स्टॉक ने काफी बेहतरीन रिटर्न दिया है पिछले कुछ साल भर में। 220 के स्तर से चल के करीबन 500 के आसपास आ चुका है, लेकिन इनकी जो खरीदी है वो काफी ऊंचे लेवल पे है, उसी के चलते हुए थोड़ा इन्हें संभल कर काम करना होगा। यहाँ पर ये बने रह सकते हैं, स्टॉप लॉस नीचे 420 का लगा के रखिए, और ऊपर में अगर 560 का आंकड़ा दिखता है तो वहां पर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर देंगे। प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करने की राय। मेटल पैक आज कमजोर है, लेकिन टाटा स्टील एक है जहाँ पर जो कि अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड करा और इनको भी अच्छा मुनाफा हो रहा था। जयपुर से हमारे साथ अगले कॉलर जुड़े हैं भरत। भरत पूछे अपना सवाल। मैम, मैंने अपना उषा मार्टिन 35,000 शेयर खरीदे हैं। उषा मार्टिन के भरत, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है मैम जी। कब तक आप इसे होल्ड कर सकते हैं? मैम 5 से 6 महीने। 5 से 6 महीने का व्यू है आपका, ठीक है। आशीष, इन्होंने उषा मार्टिन के 35,000 शेयर लिए हैं 21 के भाव पर, और इस वक्त हल्का नुकसान इनको यहाँ पर हो रहा है, क्या राय होगी शेयर पर आपकी? देखिए, पहले तो इन्होंने बहुत ही बड़ी क्वांटिटी बाय कर रखी स्टॉक के अंदर। अगर इनके पास कोई फंडामेंटल व्यू या टेक्निकल व्यू नहीं है तो इतना बड़ा निवेश एक ही स्टॉक में करने की राय मैं नहीं दूंगा। दूसरा है कि उषा मार्टिन में एक पुलबैक जरूर देखा गया है, निचले स्तर से करीबन 8 रुपए से लेके 21 रुपए के आसपास ये स्टॉक आ चुका है पिछले कुछ महीनों में, तो 100% से ज्यादा रिटर्न ये दे चुके हैं निचले स्तर से लेके, तो यहाँ पर बहुत ही संभल के देने काम करना होगा। नीचे एक स्टॉप लॉस लगा के रखिए 15 रुपए के आसपास का। अगर 15 का आंकड़ा ये ब्रेक कर जाता है तो फिर से नीचे क्या लेवल टेस्ट कर सकते हैं, तो 15 बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल होगा, और ऊपर में अगर ये स्टॉक करीबन 23-24 के आसपास जाता है तो वहां पर इन्हें डेफिनेटली इधर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करना चाहिए। तो अपने प्रॉफिट्स बुक करने की सलाह है। फिलहाल 17.85 रुपए का स्तर देखने को मिल रहा है। लेकिन अब बात करते हैं आज की लिस्टिंग की। पहले ही दिन डीमार्ट ने एक स्टेलर लिस्टिंग सेलर डेब्यू किया है, और फिलहाल मार्केट कैप 40,000 करोड़ के पार पहुंच गई। यानी कि जो निवेशक जिन्होंने आईपीओ में पैसा लगाया उन्होंने शानदार मुनाफा पहले ही दिन कमाया, और 632 रुपए का स्तर फिलहाल देखने को मिल रहा है। दिन के ऊपरी स्तरों पर है डीमार्ट, शेयर में 100% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। दिन के सबसे शिखर पर इस वक्त है, यानी आईडिया और पीएनबी जैसे शेयर से भी ज्यादा मार्केट कैप हो चुके हैं। लेकिन हाल फिलहाल में जो लिस्टिंग्स हुई है उनका प्रदर्शन कैसा रहा है, मेरे सहयोगी अंचल मौजूद हैं। अंचल, अगर हाल फिलहाल की बात करें, कई नाम कई प्लेयर्स मार्केट में आए हैं, डीमार्ट ने तो पहले ही दिन कह सकते हैं कि एक स्टेलर लिस्टिंग ब्लॉकबस्टर लिस्टिंग दी है, बाकी प्लेयर्स का क्या हाल है? शिवराय पल्लवी, बिल्कुल सही कहा आपने, डीमार्ट की तरफ से एक स्टेलर लिस्टिंग हुई है। लेकिन हाँ, कई सारे ऐसे नाम भी हैं जो इस टॉप आईपीओ सूची में भी है, जिन्होंने एक अच्छा गेन दिया है और 6 महीने बाद भी अपने निवेशकों को एक अच्छा रिटर्न देती हुई दिखी। सबसे पहले बात करें वंडरला हॉलीडे, इसकी इस सूची में सबसे पहला नाम है। एक तो लिस्टिंग इसकी डिसेंट लिस्टिंग हुई अगर आंकड़े आप देखेंगे, और 6 महीने बाद निवेशकों को 90% का रिटर्न 6 महीने में दिया, 97% गेंस 6 मंथ्स में आते हुए दिखे। महानगर गैस में भी 70% के गेंस पहले 6 महीने में आते हुए दिखे। एडवांस एंजाइम्स 52.1% चढ़ा, तो वहीं वीआरएल लॉजिस्टिक्स में ऑलमोस्ट 39% 40% के गेंस आते हुए दिखे। इक्विटास होल्डिंग क्वेस्ट कॉर्प ने भी कहीं ना कहीं 35% के आसपास के रिटर्न्स अपने निवेशकों को पहले 6 महीने में डिलीवर किए। शारदा क्रॉप केम, हालांकि अगर आप शारदा क्रॉप केम के लिस्टिंग डेटा को देखें, लिस्टिंग के दिन इसने ऑलमोस्ट 70% तक के गेंस दिए थे, उसके मुकाबले पहले 6 महीने में
30% रिटर्न के करीब देती हुई दिखी कंपनी। तो कहीं ना कहीं पहले दिन के बाद स्टीम थोड़ी कम हुई और उसके बाद शेयर एक नैरो रेंज में ही रहा। दूसरी ओर अगर एसएच केलकर की बात करें 10%, कहीं ना कहीं थोड़ी निराशा हुई एल्केम लैब से। अच्छी लिस्टिंग थी लेकिन उसके बावजूद भी पहले 6 महीने में 0.5% का नुकसान अपने निवेशकों को आता हुआ दिखा। चलिए शुक्रिया अंशर इन सारी अपडेट्स का। और डीमार्ट का शेयर वाकई काफ़ी अच्छा प्रदर्शन आज देखने को मिल रहा है। 40,000 करोड़ का मार्केट कैप के आसपास इस वक्त कंपनी का मार्केट कैप पहुंच चुका है।